बट अब हमने इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया है। जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाया करते थे वहाँ कुछ हो भी रहा है। हमारा बताएं जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्यों यार, बेसिक मेन जो वन पॉइंट रीजन है वो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं। आज है छुट्टी का दिन, सैटरडे, और आज है पाकिस्तान और इंडिया का मैच और है हमारी छुट्टी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं छुट्टी वाले दिन एक व्लॉग बना लें और व्लॉग बना के आप लोगों को दिखा दें कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। और एक्चुअली मुझे मेरी टोटल छुट्टी नहीं है, मुझे शो में जाना है मैच के, और वो तो शाम में जाना है, अभी हम जाते हैं। और देखिए मैंने पाकिस्तान के सपोर्ट में ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने व्हाइट पहनी हुई है, व्हाइट फॉर द माइनॉरिटी एंड ग्रीन फॉर द मेजॉरिटी, आई एम ऑलवेज विद माइनॉरिटी, थैंक यू। तो हमें स्प्रिंग वालों ने दी है लाइफ टाइम मेंबरशिप, फ्री ब्रेकफास्ट करने की। अब हम वहाँ पे आ गए हैं। इस टाइम कहाँ बैठे थे फातिमा? यहाँ यहाँ तो अंकल बैठे, जहाँ लास्ट टाइम बैठे थे वहाँ नहीं बैठ सकते, इसलिए आज हम यहाँ बैठेंगे। सही है, कहाँ बैठेंगे? यहाँ पे, लास्ट टाइम यहीं बैठे थे। हाँ, ओ वाओ, फातिमा आ तो गई है लेकिन अलमीर से डर रही है कि अलमीर जब ये व्लॉग देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कि उसके बगैर कैसे आए। तो बेसिकली जो खौफ है उसने फातिमा का फन जो है उसको ख़राब कर दिया। फातिमा चाहती है कि हम यहाँ बैठ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का एम्बियंस अच्छा है। यहाँ पे नीचे आप टाकीज, चीटोज और चीज़ें आप देख सकते हैं खाना खाते हुए, और वो टॉयलेट पेपर भी रखा हुआ है। ओके, क्या तुमने ऐसी क्लासेस लगाए हैं फातिमा? ये फिल्म आई थी ना मोहरा, उसमें क्या कहते हैं परेश रावल ने ऐसे क्लासेस लगाए थे। तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त। मैंने नहीं देखी वो फिल्म। डॉक्टर लग रही हो तुम, कौन सी वाली? मैंने तो उस दिन इधर मंगाया सेम नाश्ता, स्टेक एंड एग, क्योंकि कार को एक चीज़ समझ आ जाए तो बस वही चलती रहती है, उसके अलावा कुछ नया ट्राई नहीं करती। यहाँ की अच्छी है वो चीज़। और फातिमा ने मंगाए हैं बहुत सारे तरह के चने, अच्छा नहीं पूरी भी है, देसी, और मेरी ब्राउन ब्रेड भी है। आई एम देसी नाश्ता। ओके, अब लस्सी भी आएगी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फातिमा पीना कुलाड़ा की जान लेते हुए, पीना को पीना चाहिए ना, इसमें कुछ नहीं है फातिमा यार, ये तुम्हारा लस्सी जैसा पीना कुलाड़ा जो है, ये यार पीना कुलाड़ा जो है ना वो मेरा फेवरेट ड्रिंक है, लेकिन क्योंकि मैंने जगह जगह का ट्राई किया हुआ है तो मुझे पता है कि नो बहुत से लोगों को नहीं अच्छा, लाइक इट्स अ वेरी ट्रिकी ड्रिंक। तो पीना कुलाड़ा आप लोगों को पीना कुलाड़ा नहीं बनाना आता, पता है आपको? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ट्रिकी फातिमा बता देते हैं, ट्रिकी ड्रिंक है थोड़ी। तो मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक परफेक्ट ब्लेंड होता है, लाइट येलो कलर का होता है और उसमें पाइन एप्पल और कोकोनट का मिक्सचर होता है। बहुत सी जगहों पे पाइन एप्पल कम होता है। घर पे बनाएंगे? घर पे मैं ये बताना चाह रही हूँ, एक ब्लॉग इंशाल्लाह मैं ऐसा जरूर बनाएंगे कि हम घर पे बनाने की कोशिश करेंगे पीना कुलाड़ा। तो अभी सब गैस करें कि कहाँ आ गए हैं हम, कौन सी जगह ये, लेकिन जैसे ही मैं इस कैमरे को सीधा कर दूंगा तो टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो टाइम जो है वो खत्म हो गया है। जो लोग गेस नहीं कर सके कौन सी जगह है तो मैं बता दूं, ये है द फॉरेस्ट जो कि था मेरा रेस्टोरेंट। हमने इसको 2019 में स्टार्ट किया था और हमने इसको ऑलमोस्ट 4 ईयर्स रन किया सक्सेसफुली, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने इस वेंचर को इन्जॉय किया। बट अब हमने इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया है। बहुत इन्जॉय किया इन 4 सालों को और बहुत ही मज़ा आया, बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत चीज़ें सीखी। बट लेकिन सैड नहीं होना, सैड इसलिए नहीं होना क्योंकि मैं अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही, खैर अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको जब वो आएगा तब उसके बारे में बताऊँगा, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बट अभी उसके अंदर थोड़ा टाइम है, 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन जब भी वो आएगा तो हम डेफिनेटली अनाउंस करेंगे, फातिमा अनाउंस करेगी, मैं अनाउंस करूंगा, हम आपको बताएंगे। जो एक वक्त था जहां पर लोग बैठ के खाना खाया करते थे, अभी मैं गिरने वाला था क्योंकि मेरी चप्पल उतर गई, तो जहां पर लोग बैठ के खाना खाया करते थे वहां पर मैंने किचन शिफ्ट कर दिया है। किचन का सारा सामान है यहां रख दिए, और यहां अभी तो कोई सो भी रहा है,
तो ऐसे ही यहाँ पर अभी चल रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा लेकिन I will be back. Don't worry. अच्छा जी, तो कवर ने एक पोस्ट लगाई थी फॉरेस्ट के पेज पे, जिसके बाद जो है वो मेरा तो DM फुल हो गया इंस्टा का। इतने मैसेजेस आए इतने लोगों के क्यों बंद कर दिया। इवन व्हाट्सएप पे जो है वो काफी जानने वालों ने कांटेक्ट करके पूछा क्या हो गया, खाना अच्छा था क्यों बंद कर दिया। यार, लोगों का इतना पसंद था और एक्चुअली मतलब हमारे इतने सारे क्लाइंट हमने बनाए हैं 4 सालों में, और जैसा लोगों ने मैसेजेस किया पूछा कि जी फॉरेस्ट क्यों बंद कर दिया, फॉरेस्ट क्यों बंद कर दिया। तो कमर आप बताए जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्यों फॉरेस्ट बंद कर दिया। बेसिक मेन जो 1 point रीजन है वो तो ये है कि वी कुडंट मैनेज टाइम, और आपको पता है पाकिस्तान में बिजनेस में, पाकिस्तान में क्या हर जगह आपको बिजनेस को अपना 101% देना पड़ता है, स्पेशली फूड बिजनेस, स्पेशली फूड बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। तो यासिर भाई वाज बिजी डायरेक्टिंग हिज ड्रामास, और प्रोडक्शन भी करते हैं आप लोगों को पता ही है, और मेरे पास एक और प्रोजेक्ट था जो मुझे स्टार्ट करना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं, अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करूं, और हमने हैप्पीली फॉरेस्ट को क्लोज कर दिया फॉर एवर। देयर इज नो फॉरेस्ट ब्रांड एनी मोर, बट डोंट बी सैड, आई विल बी कमिंग बैक विद समथिंग वेरी अमेजिंग। Yeah, but forest journey was also a very nice journey. Yeah, मैंने बहुत सीखा उससे। मैंने ऑलरेडी told my friends, my people के मैंने बहुत सीखा उस एक्सपीरियंस से। वो टाइम बहुत हमारे लिए बीच का टफ था, बिकॉज 2019 में वी स्टार्टेड, देन कोविड आ गया, फिर कोविड का टाइम, फिर रेस्टोरेंट बंद हो गए, फिर खुले, फिर बंद हो गए। बहुत टफ टाइम पीरियड था, टफ टाइम पीरियड था का रेस्टोरेंट्स के लिए, बिकॉज बहुत से ऐसे और रेस्टोरेंट्स थे जो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए। सैनिटाइजर और सोप्स के अलावा सबके लिए टफ टाइम था। डिटॉल विटोल वालों ने सही कमाया, डिटॉल वालों ने सही कमाया, हॉस्पिटल वालों ने सही कमाया, बाकी तो सारे बिजनेस बहुत नुकसान हुआ लोगों को। बट एनी वे, फिंगर्स क्रॉस्ड, कवर विल अनाउंस हिज न्यू ब्रांड इंशाल्लाह वेरी सून। फिंगर ऐसे क्रॉस होती है ना, बात ऐसे फिंगर ऐसे क्रॉस होती है, ओके, फिंगर्स क्रॉस। हाँ, तो स्टे ट्यून्ड, और जिन्होंने हमारे लिए कंसर्न शो किया फॉरेस्ट के बंद होने पे, उनके लिए बहुत सारा प्यार कि यार आप लोग हमारी इतनी केयर, और आप मुझे मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए दुआएं दे सकते हैं, गुड लक विश कर सकते हैं, और जल्द मैं उसको अनाउंस करूंगा। बस अब बंद कर दो ताकि मैं अनाउंस ना कर दूं, बंद कर दो इसको। अभी हमें ज्वाइन किया है बच्चों ने, जिन्होंने नानी होम पे नाइट स्टे किया था, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, नानी ने मुझे चॉकलेट दी। वाओ, तो बच्चों ये बताओ कि आपका क्या ख्याल है फॉरेस्ट बंद होने के बारे में, बाबा का रेस्टोरेंट बंद हो गया उसके बारे में क्या ख्याल है? सैड हो, क्यों? क्योंकि भाभी आपका क्या व्यूज है फॉरेस्ट बंद होने पे? मुझे तो खुशी हो रही है कि बाबा का नया फॉरेस्ट बनेगा रेस्टोरेंट, नया रेस्टोरेंट फॉरेस्ट नहीं। कवर का ऑडिट हो रहा है, अब हमें आप भी चॉकलेट वीडियो में जाएंगे, क्योंकि आप हमारी चॉकलेट खा लेते हैं बिना पूछे रात को। हाँ, ऐसे धीरे धीरे जाते हैं और आप ऐसे खाते हैं ताके अमीर महावीर उठे ना। अच्छा, अमीर महावीर से बहुत डरता हूँ मैं। चोरी करते हो तुम इनकी चॉकलेट? मम्मा ले जब हम जाते हैं ना, मम्मा लेके आती है और बाबा चोरी कर लेते हैं ना। तो मम्मा आप भी बिजी रहती हैं अपने फोन में। आप देखती नहीं है, मना नहीं करती। यार आधी रात को बाबा जाग रहे होते, मैं थोड़ी जाग रही होती हूँ। मैं किचन के फ्रिज के बाहर बैठ जाऊँ क्या के बाबा को मना करने के लिए? चौकीदारी करें आप। सो मैच की सिचुएशन देखते हुए पूरा दिन गुजर गया। मैच तो हम लोग कवर नहीं कर सके, तो हम कहाँ आ गए? हम आ गए हैं दावत हलीम पे, मैच हारने की मैच भले हार गए लेकिन फातिमा रिव्यूज देने यार भाई चली गई। फातिमा ने कहा मैं तो अपना दे दूं अपनी जाके विशेष टिप्पणी। मैंने उसके बाद
बाद विशेष टिप्पणी दी और मैंने कहा देखे अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं हरा पहन के आई हूँ, तो मैच हार रहे, मैच ऑलरेडी हार रहे थे जब मैं गई, लेकिन बहुत बुरा हुआ है ना। किसकी वजह से हारे? मेरे ख्याल में हारे हम उसकी वजह से हैं, वो जो कोलंबो में बारिश हुई थी उसकी वजह से। महावीर आप बताएं पाकिस्तान क्यों आज मैच हारा है? क्योंकि आज पाकिस्तान जीत हार गया, सब हार गए। क्यों हारे? क्योंकि आज जल्दी सब आउट हो गए। आपने देखा था मैच? और पाकिस्तान मैच जो है वो इंडिया में था है ना, फुकरा आउट हो गया और अली शादा जीत गया। हाँ। और फुकरा इंसान आउट हो गया। हाँ। बिग बॉस चल रहा है आपका? हाँ। क्रिकेट में जी। इधर आओ, आप बताओ पाकिस्तान मैच क्यों हारे? आप बोलो पाकिस्तानी बिग बॉस में बोलो पाकिस्तान मैच क्यों हारे? मेरी मानी बू और मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आराम से पूछो ये मैच क्यों हारा है आज पाकिस्तान? यार पाकिस्तान मैच क्यों हारा है? क्योंकि इसने माँ के पैर पे दराज गिरा दी थी। ओ, क्यों पाकिस्तान मैच क्यों हारा है आज? अच्छा नहीं खेला ऐसे ऐसे, और बाबर आजम आउट हो गया तो बाकी तो हमारी है ना कि हम पूरी टीम आउट हो जाएगी। जका अशरफ का क्या बोल रहे? जका अशरफ अच्छे बंदे हैं, बस क्या करें, बिकाऊ गेम लग रहा था वैसे। बिकाऊ गेम लग रहा था, इसलिए लग रहा है गेम हार गए। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान हारा, लेकिन पूरा दिन जाया हो गया सबकी यही फीलिंग। तो गाइस खाना आ गया है और कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी आ गई हैं और नान भी आ गए हैं। मैंने हलीम बनाई थी, मैं जल्दी से लेके आऊं। तुमने बनाई थी? हां यार, जो फातिमा ने हलीम बनाई थी वो तो ले आओ, वो भी बना है। फातिमा ने क्या बनाया? बनाया खत्म। बाय बाय टाटा।